नमस्कार दोस्तों मैं आपका दोस्त डॉक्टर राजीव आज हम बात करेंगे एक टॉपिक जिसका नाम है डिमेंशिया डिमेंशिया का मतलब होता है डी मतलब कम होते जाना मेंशिया मतलब मेंटल एबिलिटीज़ मानसिक क्षमताओं का कम होते जाना आमतौर पर रिसर्च में तो ये भी कहा जाता है कि 25 से 35 साल के बाद ही लगभग मानसिक क्षमताएँ जो हैं थोड़ा कम होने लगती हैं बट लगभग साठ पैंसठ साल में का कुछ लोगों में ये इतनी कम हो जाती हैं कि अपनी रोज़मर्रा जिंदगी को वो ठीक से नहीं निभा पाते Uh, जैसे कि डिमेंशिया का सबसे जो मेन बड़ा लक्षण होता है उसको बोलते हैं लॉस ऑफ मेमोरी या यादाश्त की कमी होना और यादाश्त की जो कमी होती है धीरे धीरे छोटी छोटी बातों से शुरू होती है जैसे चाबी रख के भूल जाना नो uh, गैस no की नॉब ना बंद करना कुंडी या दरवाजे ना बंद कर पाना और ख़ासकर क्योंकि ये ओल्ड एज की बीमारी है तो कई बार लोगों को ये कन्फ्यूजन होती है कि इसके लिए दिखाने की भी जरूरत है या उम्र के साथ ऐसा होता ही है तो उसमें बहुत सिंपल सा तरीका है कि अगर तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है और उसकी वजह से क्वालिटी ऑफ लाइफ में कोई खास फ़र्क नहीं आता है हल्की फुल्की चीज़ें कभी भूल जाते हैं बट अगर रोज़मर्रा की चीज़ें भूलने लगें कि मैंने ठीक से खाना खाया या नहीं खाया ठीक से कुंडी लगाई या नहीं लगाई या मैंने पैसों का क्या हिसाब किताब किया तो आदमी इस स्थिति में नहीं रहता कि वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को ठीक से निभा पाए तो उस स्थिति में डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है बिकॉज डिमेंशिया का मतलब तो ये है कि मानसिक क्षमताओं का कम होना बट इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं कुछ कारण ऐसे भी हैं जिनका इलाज किया जा सकता है जो कि काफ़ी कम परसेंटेज में होते हैं दस से पंद्रह में बट पचासी परसेंट लोगों में ये समस्या जो है वो उम्र के साथ बढ़ती जाती है बल्कि कहा जाए तो पैंसठ साल की उम्र में लगभग सौ में से एक या दो लोग ऐसे होते हैं जिनको ये परेशानी होती है बट नब्बे साल की उम्र तक आते आते लगभग बीस पच्चीस लोग होते हैं और सौ साल की उम्र तक ये संख्या तीस पैंतीस तक भी आ सकती है तो कुछ हद तक ये उम्र के साथ की परेशानी है बट ऐसा नहीं है कि अस्सी नब्बे साल तक एक इंसान आम तौर पे ठीक से काम कर सकता है इवन 90 इयर्स पे भी आप देखिए कि मेजॉरिटी जो 80 परसेंट लोग हैं वो नॉर्मल हैं सिर्फ 20 परसेंट लोग ही हैं जिनको ऐसी प्रॉब्लम है जिनको डिमेंशिया में कैटेगराइज किया जाएगा और इसको अच्छे से समझाने के लिए मैं आपको लक्षण विस्तार में बता देता हूँ सबसे पहला लक्षण तो यही है लॉस ऑफ मेमरी कि चीज़ें याद ना रहना शुरुआत छोटी छोटी बातों से होती है जैसा कि मैंने आपको बताया चाबी रख के भूल गए गैस की नोपकन कर, बंद करना भूल गए किसी दूर के रिश्तेदार का नाम याद नहीं आया फिर ये समस्या थोड़ी और बढ़ने लगती है और इसमें क्या होता है खाना खा के भूल गए ये नहीं पता आज क्या तारीख़ है आज क्या साल है कौन सा दिन है अपने बच्चों के नाम में कन्फ्यूज़न हो जाती है रिश्ते में भी कन्फ्यूज़न आती है लोगों को ये भी नहीं पता लगता कि ये मेरी वाइफ हैं कि मेरी मदर हैं या कोई और हैं एंड दे जस्ट स्माइल पचास परसेंट पेशेंट इस चीज़ को समझते हैं कि उनकी मेमोरी कमज़ोर हो रही है और पचास परसेंट पेशेंट इस चीज़ को बिल्कुल ही नहीं समझते कि उनकी मेमोरी किसी भी तरह से जो है वो कम हो रही है तो इसको बोलते हैं लॉस ऑफ मेमोरी आमतौर तौर तो पर डिमेंशिया से क्योंकि पैंसठ परसेंट जो लोग हैं जिनको डिमेंशिया होता है उनको अल्जाइमर डिजीज़ ही देखा गया है तो ज़्यादातर डिमेंशिया से लोग यही समझ लेते हैं कि पेशेंट को अल्जाइमर डिजीज़ ही होगा जबकि इसके कुछ और कारण भी हो सकते हैं अल्जाइमर डिजीज़ में ऐसा होता है कि जिसको प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ मेमोरी बोलते हैं प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ मेमोरी मतलब कि यादाश्त धीरे धीरे कम ही होती जाएगी दवाइयों से हम कुछ हद तक मदद कर सकते हैं कुछ सालों तक एक लेवल के बाद हम बिल्कुल मदद नहीं कर पाते उसका कारण है उसका कारण ये है एस्टेलकोलिन एक केमिकल होता है हमारे दिमाग में जो जो हमारी मेमोरी के लिए ज़रूरी होता है उसकी मात्रा की प्रोडक्शन जब कम हो जाती है दिमाग में तो हम दवाई देते हैं जिससे उस केमिकल की लाइफ थोड़ी लंबी हो जाए जब वो केमिकल ही बनना बंद हो जाएगा या बहुत ही कम मात्रा में बनेगा तो दवाइयाँ भी मदद नहीं कर पाती हैं तो एक्चुअली जो दवाइयाँ मदद करती हैं वो शुरुआती दौर में और मिडिल दौर में आखिरी दौर में दवाइयाँ भी मदद नहीं कर पाती हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट समझने वाली चीज़ है ख़ासकर जो डिजीज़ के लिए और दूसरी बात यह है कि इसके और कारण भी हैं उन कारणों में जैसे किसी को हेड इंजरी हो गई या सर में चोट लगी तो उसमें एक यंग आदमी को भी लॉस ऑफ मेमोरीज हो सकते हैं उसको भी डिमेंशिया हो सकता है और बहुत ही कॉमन कारण है जो पंद्रह परसेंट डिजीज़ के बाद जो सबसे कॉमन कारण है जिसको वैस्कुलर डिमेंशिया कहते हैं या जो दिमाग की नसें हैं उनकी कमज़ोरी की वजह से और उसके जो दो मेन कारण हैं वो हैं डायबिटीज़ जो कि काफ़ी कॉमन है आजकल के सनारियों में और दूसरा है ब्लड प्रेशर तो ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ की वजह से जो है दिमाग की जो नसें हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं या वेसल्स या धमनियाँ जिनको हम हिंदी में बोलेंगे प्रॉपरली नसों के बजाय तो जब वो कमज़ोर हो जाती हैं तो कई जगह की ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है या वहाँ पर वो ब्रेक हो जाती हैं जिसको स्ट्रोक या आधारांक भी बोलते हैं तो दिमाग का वो हिस्सा काम करना बंद कर देता है बट फर्क दोनों में ये है कि अल्जाइमर डिजीज़ में धीरे 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 मैमरी जो है वो प्रोग्रेस होती चली जाएगी प्रॉब्लम बढ़ती चली जाएगी जबकि जो स्ट्रोक या अधरंग में क्या होगा जैसे एक स्टेप लेटर पैटर्न बोलते हैं जैसे सीढ़ियाँ चल चढ़ता है इंसान एक दो तीन चार तो जितनी बार वैस्कुलर प्रॉब्लम आएगी और अगर डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर का कंट्रोल सही नहीं होगा तो पेशेंट को उतनी ज़्यादा ही मेमोरी प्रॉब्लम्स आएंगी तो ये तो हो गया वैस्कुलर डिमेंशिया और ये लगभग 100 में से 80 परसेंट मरीज़ इसी कैटेगरीज में होते हैं बट बाकी जो कैटेगरीज़ हैं वो थोड़ी रेयर हैं जिसके बारे में डिस्कशन की ज़रूरत नहीं है बट जो कैटेगरीज़ हैं जो ट्रीटेबल हैं चाहे वो कम भी पाई जाती हैं बट अगर उनका हम इलाज करें तो उससे पेशेंट को फ़ायदा हो सकता है उसमें से एक है हाइपोथायरजम अगर किसी को थायरॉयड की हारमोन की कमी है तो उसकी वजह से भी उसको डिमेंशिया हो सकता है और अगर हम थायरॉइड का टेस्ट कराएं और उसके बाद टी एस एच उसमें ज़्यादा आए तो अगर हम उसको थायरॉइड की दवाई दें तो उससे बेनिफिट मिल सकता है उसके बाद नशे की वजह से भी डिमेंशिया हो सकता है जो लोग बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं या बहुत ज़्यादा नींद की गोलियाँ लेते हैं उनके साथ भी उम्र के साथ उनकी मेमरी भी जो है वो कमज़ोर होने लगती है और ये थर्टीज़ फ़ोटीज़ में भी हो जाता है अगर लोग बॉटल अल्कोहल लेते हैं और आपने शुरू में तो देखा होगा जिसको ब्लैकआउट बोलते हैं कि कई लोग अगर ज़्यादा पी लेते हैं तो उनका अगले दिन बिल्कुल याद ही रहता खैर वो एक डिमेंशिया का लक्षण नहीं है बट समय के साथ अगर वो रेगुलर पीते रहते हैं तो उनका दिमाग उस तरह से काम नहीं कर पाता जैसे पहले किया करता था उनको नहीं याद रहता कि उन्होंने कल क्या किया क्या हुआ क्या नहीं हुआ तो वो एक अल्कोहलिक कारण है जिसको ट्रीट किया जा सकता है फिर कुछ इनकेफ्लाइटिस या कुछ इन्फेक्शन होते हैं अगर वो है तो ट्रीट किया जा सकते है। कुछ है, B12 है, B12 हैं कुछ वाइटमिन डिफिशंसीज़ होती हैं जैसे खासकर वाइटमिन बी ट्वेल्व है बी ट्वेल्व चेक कराते हैं आजकल लोग जो वेजिटेरियन हैं उनमें ये प्रॉब्लम थोड़ी ज़्यादा रहती है और नॉनवेज हम उसी से भी गारंटी नहीं है कि आपका वाइटमिन बी ट्वेल्व ठीक होगा क्योंकि नॉनवेज का मतलब ये नहीं है कि आपने महीने में एक बार नॉनवेज खाया अगर आप हफ्ते में दो या तीन बार खाते हैं तो कह सकते हैं कि यू एक्चुअली यू आर ईटिंग जो सेम वाइटमिन मिनरल मिलने चाहिए थे आपको वो मिल रहे हैं तो अगर इस तरह की कमियाँ हैं तो इनको जो है ठीक किया जा सकता है तो इसलिए किसी भी पेशेंट में थायरय का चेक कराना और नशे के बारे में पूछना और कुछ इन्फेक्शन के बारे में सोचना कुछ वाइटमिन डेफिशंसीज़ के बारे में देखना ज़रूरी है और अगर जरूरत समझी जाए तो सी स्कैन या एम या कुछ और इन्वेस्टिगेशन भी कराई जा सकती हैं और इसमें एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग होती है जैसे जैसे पेशेंट अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी भूलने लगता है उसको पुरानी बातें याद आती चली जाती हैं तो घर वाले बोलते हैं डॉक्टर साहब इसको पुरानी बातें तो बिल्कुल याद हैं और क्योंकि जो मेमोरीज़ है वो परत दर परत बनती है जो बचपन की यादें हैं वो सबसे नीचे और जो लेटेस्ट हैं वो सबसे ऊपर तो पहले ऊपर वाली परतें ख़त्म होती हैं फिर लास्ट में जाके लास्ट की मेमरीज़ भी गायब हो जाती हैं इवन एंड में कई लोग ख़ुद को पहचानना भी बंद कर देते हैं इसके बड़े बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल थे रोनल्ड रेगन और इंडिया में भी जो सीपीआई में सुरजीत सिंह जी थे जिन्होंने रिज़ाइन किया था उनको भी डिमेंशिया हुआ था इवन अटल बिहारी वाजपेयी जी भी कुछ साल पहले जो है कुछ चीज़ें भूलने लगे थे वो डाइस पे जाके भूल जाया करते थे कि वो कहाँ खड़े हैं या उनके साथ वाला नेता कौन सा है और इवन अगर किसी को डिमेंशिया होता है तो उसकी वजह से वो गवर्नमेंट जॉब के केपेबल के नहीं रहता और एक और इम्पॉर्टेंट लीगल इशू भी है कि वो इसकेपेबल भी नहीं रहता कि वो अपनी विल कर सके तो अगर पेशेंट को ये बीमारी हो गई है तो लीगली ही इज़ नॉट इन ए साउंड माइंड टू टेक इवन जजमेंट्स रिलेटेड टू कि किसको क्या पैसा और कैसे बांटना चाहिए तो ये काफ़ी मतलब इम्पॉर्टेंट बीमारी है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है तो एक तो हो गया लॉस ऑफ मेमोरी जो इसका मेन लक्षण है वो तो होना ही चाहिए तभी हम बोल सकते हैं कि पेशेंट को डिमेंशिया है उसके बाद और लक्षण भी आते हैं जैसे अफेजिया बोलते हैं पेशेंट जो है वो ठीक से बात नहीं कर पाता या हम उसकी बात नहीं समझ पाते या पेशेंट जो है नाम नहीं कर पाता चीज़ों को जिसको एग्नोजिया बोलते हैं जैसे ताला चाबी को ताला चाबी नहीं बोल पाता वो बोलता है ये कुछ चीज़ है जिससे घर की प्रोटेक्शन होती है या घर का फ़ायदा होता है या पेन है आप दिखाएंगे तो वो नहीं बता सकते कि ये पेन है या ये घड़ी है तो इसका मतलब है कि पेशेंट को जो है वो प्रॉब्लम हो रही है उसके बाद क्या होता है आ, हाथों में ताकत भी है वो समझ भी सकते हैं अपनी बात को फिर भी वो खुद से कपड़े नहीं पहन पाते खुद से नहा नहीं पाते खुद से खाना नहीं खा पाते तो इसको अप्रैक्सिया बोलते हैं जो कि काफ़ी मतलब इस स्थिति में तो हॉस्पिटलाइजेशन की ही जरूरत पड़ती है मतलब इंस्टीट्यूशनलाइजेशन इवन नॉट हॉस्पिटलाइजेशन कि पेशेंट जो है अपनी डेली रूटीन के लिए भी किसी और पे ही डिपेंडेंट हो जाता है पूरी तरह हो सकता है आपको 24 फोर आवर नर्स या सिस्टर इस तरह से किसी को रखना पड़े तभी हम पेशेंट की केयर करने में सक्षम हो नहीं तो फैमिली मेम्बर जो है कम से कम एक या दो फैमिली मेम्बर्स चाहिए उनको मैनेज करने के लिए उसके अलावा एक और लक्षण होता है जिसको एग्जीक्यूटिव फंक्शन कहते हैं जैसे एग्जीक्यूटिव क्या करता है वो सिक्वेंसिंग करते हैं प्लानिंग करते हैं ऑर्गेनाइजिंग करते हैं तो पेशेंट की एक क्षमताएं है जो हैं वो कम हो जाती हैं उसे नहीं पता लगता जैसे मान लीजिए एक छोटी सी बात है कि पेशेंट को चाय बनानी है तो उसको चाय पत्ती का भी पता है चीनी का भी पता है दूध का भी पता है पानी का भी पता है बट एक चाय बनाना भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड काम है बट हमें बहुत सिंपल लगता है कि पानी गर्म किया और उसने अपने चाय पत्ती डाली अगर आपको यही याद ना रहे कि पहले पानी डालना है या पहले पत्ती डालनी है या पहले चीनी डालनी है अगर आपको वो सिक्वेंसिंग ही ख़राब हो जाए उसकी ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी ही माइंड में ख़राब हो जाए तो वो काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है कई बार तो पेशेंट को जब हम छोटी सी बात भी बोलते हैं तो बहुत इरीटेट हो जाते हैं बहुत गुस्सा हो जाते हैं बाकायदा ये क्राइटेरिया नहीं है डायग्नोसिस का बट काफ़ी सिग्निफिकेंट चेंज आता है पर्सनैलिटी में लोगों की इन लोग वैसे नहीं रहते इमोशनली वो वैसा रिस्पॉन्ड नहीं करते अचानक ही गुस्सा हो जाते हैं और बायदा 50 परसेंट जो पेशेंट्स हैं उनमें डिप्रेशन के लक्षण भी देखे गए हैं जिसके लिए दवाइयाँ देने से ये फ़ायदा ज़रूर हो सकता है कि डिमेंशिया अगर हम कंट्रोल नहीं भी कर पाएँ एक लेवल के बाद बट डिप्रेशन तो हम आखिरी दम तक पेशेंट का कंट्रोल कर सकते हैं दूसरी बात है डिप्रेशन में तो उदासी रोना और ये सब चीज़ें हैं बट इसके अलावा साइकोटिक सिम्टम्स भी आने लगते हैं साइकोटिक सिम्टम्स का मतलब है एक तरह से आप बोलेंगे कि पेशेंट अजीब सी मानसिक संतुलन जैसे उसका बिगड़ता जाता है कुछ पचहत्तर साल की उम्र में अपनी वाइफ पे शक करने लगते हैं जो कि बहुत एब्सर्ड होता है घर वाले समझाते हैं बट पेशेंट मानता नहीं है उसको कई बार डर लगता है मैंने तो एक बार एक माता जी देखी थी उन्होंने जो है फर्स्ट फ्लोर से जंप कर दिया क्योंकि उनको लगा कि कोई आ गया है और वो उनको मार देगा तो अपने आप को बचाने के चक्कर में माता जी फर्स्ट फ्लोर से जंप कर गई और उनकी हड्डी का फ्रैक्चर हो गया सो so, डिमेंशिया अपने आप में एक गंभीर बीमारी है और गंभीर स्थिति पैदा भी कर सकती है बिकॉज़ सिर्फ लॉस ऑफ मेमरी ही नहीं होगा उसकी वजह से बिहेवियर भी चेंज हो जाएगा पर्सनैलिटी ही पूरी बदल जाएगी उसमें डिप्रेशन के चांसेस भी 50 परसेंट हैं मानसिक संतुलन बिगड़ने के चांसेस भी 30 परसेंट हैं जिसकी वजह से इंसान बिल्कुल भी एक नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाता और उसके साथ जो आसपास लोग होते हैं उनके ऊपर भी काफ़ी प्रेशर रहता है तो मेडिसिन से अगर अल्जाइमर डिजीज़ है तो कुछ हद हाँ तक उसकी मेमरी को कंट्रोल कर सकते हैं अगर किसी को वैस्कुलर डिमेंशिया है जो डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर की वजह से है तो अगर उसका हम प्रॉपर कंट्रोल करें तो उसमें भी हमें फ़ायदा हो सकता है एक लेवल के बाद और नहीं बढ़ेगा अगर ऐसे कारण हैं जो इन्फेक्शन है नशा है नींद की गोलियां हैं या वाइटमिनस की कमी है तो उनको पूरा करने से तो लगभग पेशेंट ठीक ही हो सकता है और कई बार कुछ पेशेंट्स को डिमेंशिया ना होगी डिप्रेशन होता है तो डिप्रेशन तो एकदम इलाज होने वाली बीमारी है पेशेंट को क्योंकि ओल्ड एज में जब डिप्रेशन होता है तो वो कंप्लेन करता है मेरी मेमोरी ठीक नहीं है तो उस केस में उसमें उदासी के लक्षण अगर ज़्यादा हैं और पहले भी उदासी रही है तो अगर हम उदासी ठीक कर देंगे तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा तो हमें कारणों को देखना बहुत ज़रूरी है बट ये बात भी सच है कि अगर किसी को डिमेंशिया या लॉस ऑफ मेमोरी हो रही है तो 65 फाइव परसेंट चांसेज हैं कि उनको अल्ज़ाइमर डिजीज़ होगा जो समय के साथ ठीक नहीं हो पाएगा और किताबें तो यहाँ कहते हैं कि उसके बाद जो जीवन है वो दो से आठ साल का हो सकता है कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा भी हो सकता है कुछ में एक दो साल भी हो सकता है डिपेंड करता है तो दोस्तों ये थी जानकारी हमारी तरफ़ से डिमेंशिया के बारे में और फिर भी अगर आपके कोई सवाल या जवाब हो तो आप हमसे मेल कर सकते हैं या फ़ोन पे भी बात कर सकते हैं और ये जो प्रोग्राम हमने पेश किया दैट वाज इन द सीरीज ऑफ़ वी केयर वी शेयर थैंक यू